आज हम बात करेंगे आयरन डोम के बारे में। ये इसराइल की एक कम दूरी की जमीन से हवा में मार करने वाली वायु रक्षा प्रणाली है, जिसमें एक रडार और तामीर इंटरसेप्टर मिसाइल शामिल है, जो इसराइल के लक्ष्यों पर लक्षित किसी भी रॉकेट या मिसाइल को ट्रैक या बेअसर कर सकती है। इसका उपयोग रॉकेट, तोपखाने, मोर्टार के साथ साथ विमान, हेलीकॉप्टर और मानव रहित हवाई वाहन का मुकाबला करने के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा ये दिन और रात सहित सभी तरह के मौसम की स्थिति में उपयोग किया जा सकता है। इसे राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम और इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा विकसित किया गया था और 2011 में पहली बार तैनात किया गया था। राफेल इसके बारे में 2000 से अधिक इंटरसेप्शन के साथ 90% से अधिक की सफलता दर का दावा करते हैं। हालांकि विशेषज्ञ मानते हैं इसकी सफलता दर 80% से अधिक है। ये अप्रत्यक्ष और हवाई खतरों की एक विस्तृत श्रृंखला के खिलाफ तैनात और साथ ही फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस और शहरी क्षेत्रों की रक्षा कर सकता है।